सलाम अलैकुम, ये अली मदद। आज का टॉपिक बड़ा अजीब सा है मेरे लिए। लाल मैं और मेरी गाड़ी, ना लाल इस वक्त है ना मेरी गाड़ी इस वक्त है। मैं हूँ और ये पीछे मेरा होटल है जिस पे मैं खाना खा रहा हूँ रात के तकरीबन 1:30 बजे। शॉर्ट टूर है, रात को निकले इसलिए रास्ते की नहीं हम बना सके। अभी दरबार बंद है, सुबह आपको ज़ियारत कराएंगे, यानी कि वीडियो में थोड़ी देर के बाद, और आपको अपनी गाड़ी भी दिखाएंगे। तो लाल पे हम निकले हैं और यहाँ हाज़िरी दे रहे हैं ईरान जाने से पहले, और कोशिश करेंगे हम कि आपको थोड़ी बहुत ऐसी डिटेल दें जिस पे आपको कुछ प्लस पॉइंट यानी कि और मालूमात लाल के बारे में मिले। मैं काफ़ी अर्से से लाल पे रिसर्च कर रहा हूँ, उसके सबूत कई वीडियोज़ ऐसी हैं, ऐसी ज़ियारतें मैंने आपको बताई करवाई जो आपने कभी सुनी भी नहीं थी। जैसे यहाँ करबला मौला है, उसके आपने बहुत कम लोगों ने सुना, मैंने उसकी भी ज़ियारत कराई आपको। फिर और भी यहाँ पर जो है वो बहुत से ऐसे हैं, रोटी ले आप नई ज़ियारतें मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाई यहाँ की, जो बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि हम तो इतने सालों से आ रहे हैं, कोई कह रहा हम 25 साल से आ रहे हैं, कोई 30 साल से, कोई 35 साल से, कोई कह रहा 5 साल से, कोई 15 साल से, कि हमें क्यों नहीं पता लगी। मैंने बोला आप अक्सर लोग कराची से निकलते हैं, लाल की नियत करते हैं, लाल के दरबार पर आते हैं, ज़्यादा बोतले बाहर पर चले जाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर करबला मौला की करवाई ज़्यारत आपको, ठीक। इसके अलावा जुम्मन जट्टी की आपको मैंने करवाई, लकी शाह सदर की करवाई आपको, और हाजी मुराद की कराई जो लाल के वो थे तंदूरदान थे, जो रोटियां लगाते थे। फिर लाल के चार यार की कराई मैंने आपको, लाल की चिल्ला का की कराई। इसी तरह बिठाई की जो है वो मैंने आपको करवाई, मेरे चैनल पे मौजूद है उनके इच्छे लगा की। इसी तरह लाल बाग है, लाल बाग के साथ लाल का जो है वो कुआं है और नहाने का कुआं है, और इसी तरह पंचन बाग के बीच में जो है वो माई का भी मज़ार है, फिर मौला का कुआं है। और अगर हम इस तरफ चले जाएँ तो हमने जो है वो आपको छुट्टे नुमरानी और उसके साथ साथ बोदले बहार और इस तरह की बहुत सी और भी ज़्यारतें करवाई। तो ये उसी की कड़ी है, हम बार बार लाल पर आते रहते हैं और लाल को एक्सप्लोर करते हैं। और क्योंकि ये एक दिन की कहानी नहीं है, हम बुक पढ़ के नहीं करते, हम नेट पे नहीं जाते, हम अपनी ऑब्जर्वेशन अपनी चीज़ों को जमा करते हैं और फिर उनको देखते हैं कि वो कितनी सही है जो नेट पे मालूमात लिखी है या किताबों में लिखी है। तो मिक्स हम लेके चलते हैं और आपको वो चीज़ देते हैं जो आप सुने और उसको फील करें और अपनी जर्नी को जारी रखें हमारी जर्नी के साथ। तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आज मैंने ये नई टोपी पहनी है सिंधी, कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करिएगा, क्या मुझ पर जच रही है, अच्छी लग रही है टोपी में, मैं अच्छा लग रही हूँ और टोपी मुझ पर अच्छी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या ये आपको लग रहा है ये अंडा घोटाला है? ज़रा मुझे बताइएगा कि वाकई अंडा घोटाला है। और ये हमने दाल ली है, ये आपको दाल लग रही है या चने की दाल है या फिर ये जो है वो कुछ और है? कमेंट ज़रूर करिएगा। रोटी तो आपने देखी होगी, आपके घर में भी ऐसी आती होगी कभी कभी। तो ये मेरी गाड़ी है, बैक से इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि पहले आप नया नाम हमारा देख लें कि जर्नी ऑफ फेथ फाउंडेशन। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ये हमारा इंस्टा पे है, ये हमारा फेसबुक है, और ये हमारी वेबसाइट है जो बहुत जल्दी आ रही है। जर्नी ऑफ फेथ फाउंडेशन बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ला रही है, बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रही है, और ये चीज़ें आप खुद देखेंगे, नए नए सेगमेंट्स आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं। इसमें बिजनेस भी होगा, इसमें खिदमत भी होगी, और उसके साथ साथ ज़्यारतें भी होंगी। और ये था सरप्राइज़ आपके लिए, मिलते हैं थोड़ी देर बाद।
तो जी हाजिर हैं हम सरकार की दरबार पर, काफ़ी अरसे बाद लाल साई के दरबार पर हाजिरी का शर्फ हासिल हो रहा है। इन्हीं की देन है कि हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमते हैं, ज़ियारतें करते हैं और अहले बैत को ढूंढते हैं। यहाँ पे लोगों के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं, मुख्तलिफ हैं। मौला हुसैन की दुआएं आपके साथ है, जैसी जितनी जैसी मुरादें मिलती है, कोई इधर से खाली नहीं जाता है। ये सुबह सुबह का मंजर और खूबसूरत ज़ियारत लाल शहबाज कलंदर। शहबाज कलंदर की गुरबत है जिसकी मैंने आपको ज़ियारत करवाई, लाल मैं और मेरी गाड़ी, ये एक बहुत गहरा रिश्ता है। ज़ियारत की अब आगे की दास्तान सुना। किस्सा कुछ यूँ है जो मैंने आपको पहले बताया, उसके बाद जब पहली बार मैं होकर गया तो फिर इसी तरह गए बगाए कभी ना कभी सर के साथ अपने टीचर के साथ आने लगा। और फिर एक वक्त आया कि मैं अपने दोस्तों के साथ आने लगा। और जब हम पहली बार आए तो हम भी उसी तरह ट्रेन में आए और रात को यहाँ आए और यहाँ पे रुके और हाजिरी दी। फिर गाड़ियों में आने लगे, किसी दोस्त की गाड़ी में आ गए, कभी कोई दोस्त ले आया अपनी गाड़ी, मगर हमने कहा नहीं, हमने बस में सफ़र करना है। तो हमने बसों में आमतौर पे फारी कहते हैं चाहत में हम आने लगे। यहाँ पर दिल खींचा चला आता था, काफ़ी अर्से हम सिर्फ लाल और बोते बाहर हाजिरी देते रहे और यहाँ से हम चलते गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें हुआ नहीं यार, समथिंग और है जो हम मिस कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो हमें पता लगा लाल बाग है, चार यार है उधर, चिल्लागा भी है लाल की, और फिर पता लगा पंजन बाग भी है। फिर हम वहाँ जाने लगे, रक्षों पर बड़े बड़े किराए देकर पूरे पूरे दिन के लिए हम हायर करने लगे, लक्की शाह सदर जाने लगे। फिर दिल में आए नहीं यार मज़ीद और है, तो हमने डिसाइड किया कि हम स्कूटर पे जाएंगे। आप यकीन करेंगे 70 स्कूटर पे हम कराची से निकले और यहाँ पर आने लगे। यहाँ पे फिर लोगों से मिल के पूछ के नई नई ज़ियारतें डिस्कवर करने लगे। फिर काफ़ी अर्से ये चीज़ें चलती रहीं। तकरीबन 2019 में मैंने कहा कि मैं लाल के बारे में आपको वो चीज़ बताऊंगा जो आप नहीं जानते होंगे। तो इस तरह हमारी गैबी मदद की लाल सरकार ने कि ऐसे लोग से मिलवाया और ऐसी ज़ियारतों पे हमें ले गए जो वाकई लोगों को नहीं पता थी, बहुत कम लोग जानते थे, कि हमने आपको वीडियो बताया। फिर सफ़र जो है वो 70 से रहा, फिर 150 पर आ गया। 150 पे भी लाल पे आए और लाल बाग और ये पीछे अंदर जो है वो दीवाने शाह तक हम लोग जाने लगे।
उसके साथ साथ एक वक्त आया कि अब गाड़ी है, गाड़ी पे भी आ रहे हैं। पहले मैं आता था, अब और भी लोग आते हैं जो दीवाने, जो वाकई हाजिरी देना चाहते हैं, इनसे मिलना चाहते हैं, इनके इश्क में आते हैं और मांग तो वो घर पे भी लेते हैं। तो इस तरह ये जर्नी शुरू हुई और ये जर्नी यहाँ नहीं ख़त्म है बल्कि ये बिगनिंग है, और इससे आगे मज़ीद बहुत सारी चीज़ें जो मैं अपने किसी और व्लॉग में बताऊंगा आपको। तो ये मुख्तसर सी कहानी है जो लाल के साथ एक रिश्ता है और आज भी दिल का रिश्ता है। क्या मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ मुसीबत में, परेशानी में, दुख में आते हैं दूर दराज से। कोई बाहर सो रहा है, कोई होटल ले लेता है, कोई जो है यहाँ गरीब में किसी चारपाई होटल पे चला जाता है, जैसे ही दरबार खुलता है खींचे चले आते हैं। ये दरगाहें मुलाकात की है, मांगने का तो हमने सिस्टम रखा हुआ है कुरान में, खुदा ने कहा मांगो मुझसे मैं दूंगा। आज तक इंसान मांग ही रहे, उसके आगे और पीछे इंसान ने नहीं हमने पढ़ा जो हमारे मतलब की चीज़ नहीं थी। कहने का मकसद ये मांगे मना नहीं है, लिखा हुआ है, मगर उसके आगे भी तो पढ़े कि जो वो देता है तो वो बांटने के लिए भी देता है, सिर्फ आपके लिए नहीं दे देता। वो इज्जत देता है तो किसी वजह से देता है, वो आप वो खुदा जो है वो परेशानी में घेरता है तो किसी वजह से घेरते हैं आप। इसको भी जाने, इसे भी पहचाने और अपनी खुद इसलाह भी करें। आज के बाद आप जब भी आएँ इन दरों पर तो दिल से आएँ, इनसे मुलाकात भी होगी आपकी और ये आपकी सुनेंगे भी। आप एक टेप रिकॉर्डर की तरह अपनी ख्वाहिशों की लिस्ट जो लेकर आएंगे वो तो आप घर से भी बोल सकते हैं, यहाँ करीब आके भी बोल रहे हैं। तो कोशिश करें दिल से आएँ, वो गैबियत में हैं और नज़र नहीं आते आपको, मगर आपकी सारी चीज़ें जानते हैं, ना मुँह से निकाले बगैर भी वो पूरी करेंगे, आजमा के तो देखें। इसी के साथ मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ये नया सेटअप किस तरह का है, ये टॉपिक कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या लिखा।